नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। मूर्ति पूजा की सार्थकता क्यों है? मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आस्था एवं भावना को उभारने के लिए व्यक्ति को चित्र यानी मूर्ति प्रतीक के लिए चाहिए। आराध्य की मूर्ति की पूजा करके मनुष्य उसके साथ मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित करता है। साधक जब तक मन को वश में कर स्थिर नहीं कर लेता, तब तक उसे पूजा का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसमें वह असीम सत्ता के दर्शन करना चाहता है और अपनी धार्मिक भावना को विकसित करना चाहता है। भगवान की भव्य मूर्ति के दर्शन कर हृदय में अनेक गुणों का स्मरण होता है और मन को एकाग्र करने में आसानी होती है। जब भगवान की मूर्ति हृदय में अंकित होकर विराजमान हो जाती है, तो फिर किसी मूर्ति की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। इस तरह मूर्ति पूजा साकार से निराकार की ओर ले जाने का एक साधन है। जो व्यक्ति अल्प बुद्धि के कारण निराकार ईश्वर का चिंतन नहीं कर पाते हैं, उन साधकों के लिए मूर्ति पूजा उपयोगी है। उससे उनकी मानसिक उन्नति भी होती है। प्रत्येक मूर्ति में जो जो शक्तियाँ निहित होती हैं, उनका चिंतन करने से वे दिव्य गुण मनुष्य में अपने आप विकसित होने लगते हैं। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं की मूर्तियों में ईश्वर की हर गुप्त शक्ति को प्रतीकों के माध्यम से प्रकट किया है। भगवान की प्रतिमा में शक्ति का अधिष्ठान किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अथर्ववेद में प्रार्थना है, हे भगवान, आइए और इस पत्थर की बनी मूर्ति में अधिष्ठित हो जाइए, आपका यह शरीर पत्थर की बनी मूर्ति हो जाए। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदू रिचुअल्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि निःशुल्क है।